है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ चुके हैं हम ताता पानी में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ताता पानी में आ चुके हैं। तो गाइज 2023 का सावन का पहला सोमवार है आज, और आज इतना भीड़ है, आप चारों साइड आपको दिखा रहा हूँ। तो धूप है तो मैं एक छाया के पेड़ के नीचे छाया पे हूँ अभी। तो 2023 का सावन महीने का पहला सोमवार में यहाँ पे, मतलब हर साल अभी पिछले 2-3 साल से यहाँ पे सावन में यहाँ पे पानी उनी चढ़ाने आते हैं लोग, जैसे बोल हम जाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे आज इतना भीड़ हुआ है यहाँ ताता पानी में। गाइस ये ताता पानी को तापेश्वर धाम भी बोला जाता है। तो आज यहाँ पे इतना भीड़ है, तो मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे और दोस्त लोग हैं। तो ये उमा शंकर है, ये मनीष, वो मेरे मोटा भाई। तो यहाँ पे ऐसा व्यू है, मैं उधर धूप था इसलिए उधर कुछ बनाया नहीं, इधर छाया है करके यहाँ से मैं बना रहा हूँ। और बाकी गाइज आपको यहाँ पे आज ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये सावन 2 महीने का चलने वाला है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी सावन सोमवार आएगा मैं ब्लॉग आपको अपडेट देता रहूँ, यहाँ कितना भीड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज मैं इतना ही आपको दिखाऊँगा, और बाकी चीज़ आप ड्रोन का व्यू देखिए। तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ का व्यू है। तो गाइज़ अब मैं आपको यहाँ तातापानी तापेश्वर धाम का आपको सारा चीज़ आपको बता दिया हूँ और दिखा दिया हूँ। ड्रोन शॉट को आपको देख के अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज़ मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से लगातार यहाँ पे सावन में यहाँ पे जैसे बोलबम आते हैं वैसे यहाँ भी लोग बोलबम जैसे आते हैं। 15 किलोमीटर तातापानी से 15 किलोमीटर दूर रामानुजगंज है, वहाँ से लोग पानी उठाते हैं, और तातापानी से 15 किलोमीटर बलरामपुर है, वहाँ से भी पानी उठा के यहाँ तातापानी में आते हैं, और आने के बाद यहाँ पानी चढ़ाते हैं। तो गाइज़ हर सोमवार को यहाँ पे भीड़ लगेगा, और हर सोमवार को यहाँ पे लोग बोलबम जरिए, मतलब बोलबम के जैसे यहाँ पे पानी चढ़ाने आएंगे। तो गाइज़ इस ब्लॉग में इतना ही है, किसी अनदर ब्लॉग पे। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फिर थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।